अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 10 आज हम लोगों ने अपना नया सेशन स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 1 की तरफ आते हैं। यूनिट चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ होती है? प्रॉब्लम मीन कोई भी हमारी जो डिफ़िकल्टी, और सॉल्विंग उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज। कोई भी किस्म का इशू हो, कॉम्प्लेक्स हो, डिफिकल्ट हो, उसको सॉल्व करने को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। बाज़ोकात कुछ जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं, हम इजीली उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कंप्यूटर के अंदर भी इसी तरीके से बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसे हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाते। उसके लिए फिर हम दूसरे मेथड्स अप्लाई करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, जो कंप्यूटर के अंदर हम जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वो प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम प्रोग्रामिंग का टच पढ़ेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स वगैरह सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे कि हमने प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एक स्किल है, ना वो कोई सॉफ्टवेयर है, ना वो कोई हार्डवेयर है, वो एक स्किल है वेल डिफाइंड अप्रोच के साथ। यानी कि उसको हमने इसी तरीके से अपनी सेंस यूज़ करके हमने उसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को हम एक गुड प्रोग्रामर बहुत अच्छे से समझ सकता है और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है। इसके लिए बहुत से डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं जो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई मेन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके बाद इसके कुछ स्टेप्स में इसके ऑलमोस्ट 8-9 स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले प्रॉब्लम के सॉल्विंग के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, किस किस्म की प्रॉब्लम है, क्या हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो भी सकती है या नहीं हो सकती। इसके बाद है सेकंड, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। उसकी जो है जो नीड है, यानी कि हमारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की जो नीड्स हैं उसके लिए वो सारी चीज़ें हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एनालाइज द प्रॉब्लम, हम उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे और उसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस निकाल लेंगे जितने हम निकाल सकते हैं, और उसमें से बेस्ट वन हम उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ वन है डिज़ाइन और एल्गोरिथम फ्लोचार्ट। हम इसमें फ्लोचार्ट्स और एल्गोरिथम अप्लाई कर सके। एल्गोरिथम होते हैं कि स्टेप्स, एटलीस्ट 3 स्टेप्स होने चाहिए। वो 3 स्टेप्स क्या होंगे? इनपुट, प्रोसेसिंग और तीसरा स्टेप हमारा होगा आउटपुट। 3 स्टेप्स होंगे मिनिमम। वैसे तो जितने आप मैक्सिमम 5-6 स्टेप्स में उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद फ्लोचार्ट आपकी शेप्स को हम यूज़ करके उसको है सॉल्यूशंस को उसके बना सकते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। फिर राइटिंग का प्रोग्राम, यानी कि कोडिंग, उसे कोडिंग भी कहा जाता है। राइटिंग का प्रोग्राम को हम उस प्रोग्राम को राइट कर लेंगे। देन टेस्ट और डीबग द प्रोग्राम, अगर उसके अंदर कोई, उसको टेस्ट किया जाएगा, अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाएगा जिसको हम बग कहते हैं, एरर्स को बग कहते हैं कंप्यूटर में, तो उसको हम डीबग कर लेंगे, यानी कि उन एरर्स को रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हम उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि हम उसको अप्लाई कर देंगे डिफरेंट जो है कंपनीज को प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो उसको चेक कर लें। उसके बाद रहता है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, अगर उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स की ज़रूरत है या मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो उसको मेंटेन करना। मेंटेनेंस होता है ख़राब चीज़ के अंदर कुछ रिपेयरिंग करना, कुछ उसको इम्प्रूव करना, और अपडेटिंग होती है कोई नया वर्जन अप्लाई कर देना। उसके बाद लास्ट पे है डॉक्यूमेंटेशन, उसकी लिस्टिंग अप कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जो हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट। एल्गोरिथम, हमारे पास जो एल्गोरिथम होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप्स की फॉर्म में हम लोग उसको लिखते हैं। स्टेप 1 में ये काम किया, स्टेप 2 में ये काम किया, स्टेप 3 में ये काम किया, और फ्लो चार्ट में हम लोग शेप्स दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये शेप्स दी गई हैं। प्रॉब्लम हमारे पास दी गई, हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसका एल्गोरिथम बनाएंगे, उसका कंप्यूटर प्रोग्राम में अप्लाई कर देंगे, उसका इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये थे हमारे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो कि हमने इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करने हैं। उसके बाद जो कल के टॉपिक्स हैं हमारे, वो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आप नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसकी डिटेल्स बता दी जाएंगी। अगर आपको इसके क्विज़ आपने लाजमी सॉल्व करने हैं, इस लेक्चर को बार बार देखिए ताकि आपको इसके क्विज़ सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।